प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा पाँच कार्य पुस्तिका के दिवस चौरासी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे सबसे पहला हमारा प्रश्न है सरिता एक बटे चार लीटर दूध को पाँच गिलास में समान रूप में रखती है बताइए प्रत्येक गिलास में कितना मिलीलीटर दूध आएगा तो पहले तो ये देखते हैं कि उसके पास कुल दूध है कितना हल, एक बटे चार लीटर दूध है उसके पास तो हम इसको मिलीलीटर में बदलेंगे इसको हम एक हज़ार से गुणा करके मिलीलीटर में बदल देंगे जब एक बटे चार को एक हज़ार से गुणा करेंगे तो चार से ये कट जाएगा दो सौ पचास बार मतलब दो सौ पचास मिलीलीटर दूध उसके पास है अब प्रत्येक गिलास में वो कितना दूध रखेगी वो पाँच गिलास हैं तो दो सौ पचास को पाँच से भाग कर दीजिए जब 250 पचास को पाँच से भाग करेंगे तो आएगा पचास मिलीलीटर। तो पचास मिलीलीटर दूध प्रत्येक गिलास पे आएगा अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को रोटी के तीन बटे चार टुकड़े को तीन भाइयों में आपस में बराबर बराबर बांटा प्रत्येक बताइए प्रत्येक को रोटी का कितना भाग मिलेगा देखिए तीन बटे चार भाग हैं और तीन भाइयों में बांटना है मतलब भाग कर दीजिए तीन से जब तीन बटे चार को तीन से भाग करेंगे तो क्या आएगा उत्तर तीन बटे चार ये हो जाएगा गुना में और तीन बटे एक समझ लीजिए इसको ये हो जाएगा एक बटा तीन तीन से तीन कट गया कितना बचा एक ऊपर चार नीचे एक बटा चार तो प्रत्येक को एक बटा चार भाग मिलेगा अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को चित्रों की मदद से भाग कीजिए दो बटे चार को भाग करना है दो से दो बटे चार को दो से भाग करना है तो देखिए दो बटे चार भाग को हम बदल देंगे गुणा में और दो को लिखेंगे एक बटा दो दो से दो कट जाएगा तो कितना आएगा एक बटा चार एक बटा चार हमारा उत्तर होगा अब चित्र देखिए दो बटे चार हमने एक बॉक्स बनाया इस तरह से करके इस बॉक्स के हमने चार भाग कर दिए दो बटे चार का मतलब दो बटे एक बटे चार ये है एक बटे चार ये है तो यूँ समझ लीजिए कि ये हिस्सा दो बटे चार है अब दो बटे चार के दो भाग करने हैं तो दो बटे चार के दो भाग करने के लिए हमने बीच में से एक लाइन ये खींच दी है तो इस दो बटे चार के ये दो भाग हो गए हैं ठीक है अब ये हमारा उत्तर होगा इसको हमने रंगीन कर दिया है तो यही हमारा उत्तर है ये चित्र है यहाँ से आप देख सकते हैं अब देखिए इस सवाल को छः बटे नौ को भाग करना है तीन से तो छः बटे नौ को तीन से भाग करेंगे तो करना क्या है अगली लाइन में देखिए छः बटे नौ भाग को बदल दीजिए गुना में और इसको लिखिए एक बटे तीन तीन से काट दीजिए तीन दोनी छः तो दो बटे नौ हमारा ये उत्तर होगा अब दो बटे नौ अब इसके हिसाब से चित्र देखते हैं कैसा बनेगा अब देखिए छः बटे नौ को हम क्या लिख सकते हैं छः बटे नौ को दो या छः और दो ता छः सॉरी तीन से काटिए छः बटे नौ को तीन से काटे तीन दोनी छः और तीन तिया नौ दो बटे तीन लिख सकते हैं तो दो बटे तीन का चित्र कैसा बनेगा दो बटे तीन का चित्र बनेगा एक बॉक्स के तीन भाग कर दीजिए तो इतना भाग ये दो बटे तीन है ये वाला ये दो बटे तीन है अब दो बटे तीन इसके तीन भाग कर दीजिए तो एक दो एक दो तीन ये तीन भाग इसके हो गए और इनको हमने रंगीन कर दिया है तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा दो बटे नौ प्रत्येक भाग यहाँ पर ये दो बटे नौ दो बटे नौ दो बटे नौ इसी तरह से देखिए आप इस सवाल को तीन बटे आठ को भाग करना है छः से तो पहले तो आप यहाँ इसका सोल्यूशन लिखेंगे इसका सोल्यूशन नहीं लिखा है यहाँ पर तीन बटे आठ भाग भाग को बदल दीजिए आप पुणा में एक बटे छः कर दीजिए तीन से काटिए तीन दूनी छः तो आएगा एक बटे आठ दूनी सोलह एक बटे सोलह ये तो इसका होगा सॉल्यूशन अब देखिए इसको चित्र में कैसे दिखाना है एक बॉक्स बनाइए इस तरह से इसके आठ भाग कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ भाग कर लीजिए अब तीन बटे आठ होंगे यहाँ तक मतलब तीन भागों को आप ये होंगे हमारे तीन बटे आठ अब इसके छः टुकड़े करने हैं तो तीन बटे आठ के छः टुकड़े आप करेंगे तो इसके छः टुकड़े करेंगे तो आप इसमें ऐसे छः टुकड़े इसके बनाएंगे क्योंकि इसको छः से भाग करना है तो इसी तरह से करके आप इसके एक दो तीन चार पाँच और यूँ समझ लीजिए कि ये इसके छः टुकड़े हमने बना दिए हैं और इन्हीं को हमें रंगीन करना है तो यही छः टुकड़े जो होंगे ये इस चित्र में यहाँ पर हमने दिखाए हैं और यही कितना होगा तीन बटे आठ को जब हमने भाग किया था तो ये होगा एक बटे सोलह के बराबर यही एक बटे सोलह के बराबर होगा प्रत्येक टुकड़ा इसका एक बटे सोलह के बराबर है तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें इस सवाल को भी तीन बटे चार को भाग करना है दो से अब तीन बटे चार को पहले तो आप भाग करके देखिए भाग को बदल लीजिए गुना में अब करिए तीन बटे आठ आ गया है तो तीन बटे आठ हमारा उत्तर है अब चित्र बनाते हैं इसका क्या करना है तीन बटे चार पहले तो एक काम कर लीजिए इसके आप चार भाग बना लीजिए एक दो एक दो तीन ऐसे करके चार भाग बना लीजिए तीन बटे चार कहाँ तक होगा ये हो गया हमारा तीन बटे चार ये तीन बटे चार है चार में से तीन भागों को हमने रंगीन कर दिया है तो ये तीन बटे चार है अब देखिए तीन बटे चार के दो टुकड़े करने हैं तो मतलब बीच में से यहाँ से इसको बांट दीजिए दो बराबर भागों में एक भाग ऊपर हो गया एक भाग नीचे हो गया तो ये आएगा कितना तीन बटे आठ के बराबर क्योंकि तीन बटे चार को जब आप भाग करेंगे दो से तो कितना आएगा तीन बटे आठ आएगा तो तीन बटे आठ ये है तीन बटे आठ और ये भी तीन बटे आठ तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस चौरासी के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद प्यारे बच्चों